हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू richagandhi.in। आई थिंक क्लास 71 का फर्स्ट पार्ट जो मैंने आपको दिया था उसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस भी कर ली है और अच्छे से वो सेट हो गया है जैसे कि मेरा है। अब हम लेते हैं पार्ट टू। पार्ट टू में मैं आपको थोड़ा डिफिकल्ट लेवल दे रही हूँ, इसीलिए मैंने इसके दो पार्ट बनाए हैं। तो प्लीज आप इसको ध्यान से देखें और इसी तरह से बनाने की कोशिश करें, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है, साथ ही में बहुत ही अच्छा भी दिख रहा है। तो आप इस बात को ध्यान में रखते हुए शुरू करें। तो सबसे पहले हम बनाएंगे सेम जैसे हमने यहाँ पे डिजाइंस बनाई है वैसे ही। तो सबसे पहले मैं नीचे की ओर, मतलब यहाँ पे जो लाइन है उसके हिसाब से बना दे रही हूँ। तो सबसे पहले बनाएंगे मैंगो, फिर उसके ऊपर यू शेप पैटर्न। और ध्यान रखें ये यू शेप बहुत लंबा नहीं खींचना है, क्योंकि जब हम अंदर की फिलिंग कर रहे हैं तो वो लाइंस हमें डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए फिलिंग्स करने में, उस बात का आपको भी ध्यान रखना ही है। उसी हिसाब से हम बनाते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे जगह खत्म हो रही है तो मैं सिर्फ इतना कर्व ले रही हूँ। अगर हाथ है तो आप पूरा मैंगो शेप बना के भी उसको छोड़ सकते हो, ठीक है। अब ये लिया, वैसे ही इस साइड पे भी हम यहाँ पे ऐसा ही लेंगे, ठीक है। तो वो लेने के लिए डिजाइन हम सेम ही ले रहे हैं, पर हम शुरू करेंगे यहाँ से। तो इसमें हम ऑपोजिट साइड से पहले मैंगो बनाएंगे और फिर यू शेप पैटर्न। वैसे ही फिर से मैंगो बनाएंगे और यू शेप पैटर्न, फिर से एक सिंपल वाली मैंगो। ओके, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो मैंने ये इतनी जितनी डिजाइन मैंने बनाई है उन सब में मैंने सिर्फ मैंगो और यू शेप ही लिया है, पर उसको ऐसे सेट किया है कि देखने वाले को कुछ नई अट्रैक्टिव ब्यूटीफुल मेहंदी डिजाइन लगी जाए। ओके, तो अब इस पे हम फिलिंग कर लेंगे, ठीक है। तो फिलिंग करने के लिए मैं आधे थंब तक की फिलिंग करूंगी, जो यहाँ से शुरू होके वहाँ तक ख़त्म होते बहुत ही ब्यूटीफुल दिखती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डार्क वाली लाइन बना देती हूँ, ठीक है। वो बनाने के बाद इसके आसपास मैं पतली वाली लाइन बना दूंगी। ओके, अब यहाँ पे बड़ा सा जो गैप आ रहा है यहाँ से यहाँ तक का, वहाँ पे कर्व शेप जैसा लगेगा। ओके, हो गया। तो अब इसके अंदर मैं कर रही हूँ फिलिंग, थोड़ा न्यू है, अब ध्यान से देख ले। जैसे मैंने लिया तो चेक्स ही है, पर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो मैं एकदम हल्के हल्के मेहंदी से लाइंस मैनेजमेंट जैसा ले रही हूँ और बनाऊँगी तो मैं इसमें भी चेक्स ही, और फिर वहां पे मैं सारे डॉट्स बना लूंगी। जो लाइंस है वहां पे ही मैं डॉट्स बना रही हूँ। तो इस तरह से ये चेक्स वाला डॉट बहुत ही अच्छे से तैयार हो गया है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी इसमें कुछ ना करें, ऐसे ही छोड़ दे, पर फिर भी आपको अगर कुछ करना है तो अपने हिसाब से आप कर लें। बाकी अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ेंगे तो ये बहुत ही अच्छा दिखेगा, क्योंकि ब्राइडल है, सब ब्राइडल में फिलिंग हम बहुत ही बारीक वाली करते हैं, तो कुछ कुछ जगह पर जो बड़ी बड़ी डिज़ाइन बनाते हैं वो भी दिखने में अच्छी लगती है। तो अब ये हमारा हो गया है, अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे। तो मैं यहाँ पे फिर से एक लाइन बना लूंगी और फिर यहाँ पे बनाऊंगी यू शेप पैटर्न। जैसे कि मैंने बताया कि लाइंस बनाने के बाद हम यू शेप पैटर्न जरूर बनाएंगे, जिससे वो मेहंदी की
लाइंस डिजाइंस वगैरह वगैरह सब अच्छा दिखेगा। अब एक और टास्क साथ ही में कर लेना है और वो ये है कि हमें इसको फिल कर देना है, जितने भी यू शेप है उसको हम फिल कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से सारे यू शेप को हम फिल कर लेंगे, इसीलिए ज़्यादा बड़ा भी हमें नहीं बनाना है, जो मैंने पहले भी आपको बता दिया है। वैसे ही यहाँ पे भी हम बनाएंगे। इसमें आप शेडिंग और लाइंस दोनों कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अब इसके बाद मैंगो आ रही है, तो मैं वो वाली डिजाइन पे नहीं करूंगी, वहां पे तो मैंगो का ही शेप लिया है मैंने, तो इस हिसाब से मैं बना रही हूँ, तो मैं वहां पे फिल नहीं करूंगी। अब हम बनाएंगे बारीक बारीक डिजाइन जो हमने ऊपर बनाई है। अब हम थोड़ा ध्यान रखेंगे कि जो डिजाइन हमने ऊपर बना ली है वो डिजाइन नीचे रिपीट ना हो, क्योंकि सब जगह पे एक ही बनाने से भी थोड़ा मजा कम हो जाता है, उस बात का भी हम ध्यान रखेंगे। स्टार्टिंग ज़्यादातर ऐसे सर्कल वाला करके या फिर डॉट करके ही बन होता है, तो वो तो कॉमन रहेगा, तो उसमें उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर हम यहाँ पे ले लेंगे उसे यू शेप, और फिर इसको भी कर लेंगे बॉर्डर, और फिर यहाँ पे फिर से कर लेंगे बॉर्डर, और यहाँ पे हल्के हल्के डॉट रख लेंगे। तो इस तरह से ये एक पेज बन गया है। अब हम यहाँ पे बनाएंगे दूसरा पेज। ओके, फिर यहाँ पे हम ऐसे कर्व शेप भी बना सकते हैं, फिर इसको ऐसे बॉर्डर बनाएंगे, और फिर यहाँ पे जिसे जगह नहीं है तो इतनी लाइंस कर लेंगे, पर यहाँ पे हमें जगह मिल रही है तो हम फिर से ये वाला ही रिपीट कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको कोई और फीलिंग मिल रही है तब वो भी कर सकते हो। ओके, फिर यहाँ पे फिर से हम कर लेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे हमने सारी डिजाइन कर ली और अब पूरा ऐसे पेज बनाने की जगह नहीं है, तो हम यहाँ पे सिंपल यू शेप पैटर्न और लाइनिंग्स ले सकते हैं। अब अपने हिसाब से यहाँ पे जो लेना चाहे वो भी ले लीजिए, कोई बात नहीं, और अगर आपका लंबा चल रहा है तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से यही पेज को कंटिन्यू करें, और कुछ और बनाना आप खुद चाहो तो भी बना सकते हो। ठीक है, अब यहाँ तक हमारा हो गया है। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे, जो हमारी सेकंड लास्ट फिंगर रहेगी वहाँ से हम बनाएंगे, और जैसे कि हम यहाँ से एक लाइन को फॉलो करके बना रहे हैं, तो उसके हिसाब से थोड़ा ऐसे मैनेज करके ही हम बनाएंगे। डिज़ाइन हमारी यहाँ पे भी सेम ही है कि सबसे पहले बनाएंगे मैंगो, और फिर यहाँ पे बनाएंगे यू शेप, और फिर से मैंगो। ओके, इतना हमारा फिक्स रहेगा, और अगर आप चाहो तो वैसे करते करते यहाँ पे दोनों को जॉइंट कर सकते हो, और अगर नहीं चाहो तो मत करो, दोनों ही अच्छा दिखेगा। ओके, तो ये हो गया है। अब हम यहाँ से ये जो ये लाइन हो रही है उसको बना लेंगे, जिससे हमारी फिंगर्स अलग हो जाए, और अब हम इसमें करेंगे फिर से फिलिंग।
अब यहाँ पे आप चाहो तो ऊपर वाली ही फिलिंग ले सकते हो और कुछ और बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो। जगह के हिसाब से हम फिलिंग्स चेंज कर सकते हैं। ऐसा भी जरूरी नहीं कि पहले लिया है वही लेंगे, कुछ भी आप अपने हिसाब से यहाँ पे भी ले सकते हो। ओके, तो इस तरह से हमारा ये बनके तैयार है। और मैं चाहूँगी कि इसको आप थोड़ा डार्क बनाएं बॉर्डर्स को, जिससे वो बहुत ही अच्छा 3D इफेक्ट टाइप लगेगा। हर जगह पे बॉर्डर्स को एंड में आप डार्क कर ले, जिससे वो बहुत ही अच्छा और अट्रैक्टिव दिखेगा। पर ध्यान रखेंगे करते वक्त कि हमारी जो अंदर की जो फीलिंग्स है उसको बिल्कुल भी इफेक्ट ना आए और हमारी ये 3D इफेक्ट भी आ जाए। सब चीज़ का ध्यान रख के अगर आप बनाओगे तो पक्का आपकी डिज़ाइन में से भी अच्छी बन सकती है। मेहंदी के कोन को आप जितना ऊपर जितना स्ट्रेट पकड़ सकते हो पकड़ो, क्योंकि स्ट्रेट पकड़ने से वो बहुत ही सही से मेहंदी निकलती है, जैसे कि अभी मेरी निकल रही है। पर मुझे मालूम है जब छोटी फिलिंग करते हैं तो कौन और हाथ अपने आप नीचे की ओर ज़्यादा झुक जाते हैं, पर अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी कम हो सकता है। ठीक है, अब हमारा यहाँ तक हो गया है। अब हम यहाँ पे सारी जगहों पे ऐसे फिंगर्स पे लाइंस बना लेंगे। ये बनाने से हमें फिंगर्स तक का अंतर मालूम पड़ जाएगा। हैंड में है फिर भी ऐसे ही बनाए। ओके, अब हम यहाँ पे ये हमने एक बनाया है, अब इसी के हिसाब से हम यहाँ पे बनाएंगे थोड़ा बहुत चेंज करके। जब आप फर्स्ट टाइम बनाओगे तो मैं आपको बताना चाहूँगी आपकी प्रॉब्लम और मिस्टेक क्या होगी, कि ये दोनों इकट्ठा हो जाएंगे जो मैं अभी बना रही हूँ, उसके लिए आपके पास जगह ही नहीं होगी, तो आप फिर से उसको पूरा इरेज करो अगर पेंसिल से कर रहे हो तो। और अगर आप पेन से बना रहे हो तो फिर से दूसरी बार ये डिज़ाइंस बनाओ और गैप मैनेजमेंट ज़रूर करो। अब जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ये थोड़ा थोड़ा करके छोटा होता जाएगा और फिर थोड़े गैप के बाद हम इसको ऐसे ही डॉट फॉर्म में छोड़ देंगे। तो इस तरह से ये भी एक बहुत ही अच्छी तरीके से दिखेगा। ठीक है, अब हम आते हैं पहले थंब से शुरू करेंगे। जैसे कि मैंने बताया मैं लेफ्टी हूँ तो मैं थंब से शुरू कर रही हूँ। अगर आप राइटी हो मतलब लेफ्टी मतलब लेफ्ट हैंड से ड्रॉ करते हो, अगर आप राइट हैंड से ड्रॉ कर रहे हो तो आप लास्ट फिंगर से शुरू करके थंब तक जाए, वो आप अपने हिसाब से ध्यान से देख लें। अब फिंगर्स की फीलिंग्स भी आप अपने हिसाब से सेम भी रख सकते हो और अलग भी। तो अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ स्लांट लाइन में पर डॉट में, जैसे कि हमने ऊपर लिए हैं, पर जैसे हमने ऊपर अलग लाइन मतलब स्लांट लाइन में ही अलग तरीके से लिए हैं, तो यहाँ पे भी मैं थोड़ा अलग ले लूँगी। वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे भी फीलिंग्स चेंज कर सकते हो। ओके, अब हम यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे, फिर यहाँ पे बनाएंगे यू शेप पैटर्न और फिर इस तरह से हम फिंगर्स फिल करेंगे। तो अब हम दूसरी फिंगर्स भी इसी तरह से फिल करना शुरू कर देते हैं।
जैसे कि यहाँ पे हम अगर फर्स्ट फिंगर का मैनेज करें तो ये गैप ख़त्म हो जाएगा, तो आप यहाँ पे ना लें। पर अभी मैं ले रही हूँ क्योंकि मैं ऊपर वो करने वाली नहीं हूँ जो मैं बोल रही हूँ, जो ऊपर के टॉप हम फिल कर देते हैं पूरे का पूरा, वैसा मैं नहीं कर रही, इसलिए मैं ऐसे डिज़ाइन ले रही हूँ। तो आप जगह के हिसाब से डिज़ाइंस कम ज़्यादा करेंगे, ऐसा मैंने पहले भी बोला है और अभी भी बोल रही हूँ। जैसे कि यहाँ पे अगर फर्स्ट टॉप लेंगे तो थोड़ा भी थोड़ा गैप बच रहा है, तो वहाँ पे आप इस तरह से करके लाइंस बना सकते हैं, या तो फिर इस तरह से करके पूरा ऐसे शेप सिर्फ ले सकते हैं और यहाँ पे आप डॉट बना दें तो भी अच्छा दिखेगा। ये दो आपके लिए ऑप्शनल है, अगर आप ये नहीं करना चाहे और अपने हिसाब से कुछ और करना चाहे तो भी कर सकते हैं। किसी की फिंगर इतनी भी बड़ी होती है कि यही डिज़ाइन फिर से हम अपोजिट डिरेक्शन में बना करके भी कर सकते हो, तो आप वो भी बना सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको ज़रूर लाइक करें और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये प्रॉपर ब्राइडल के फॉर्म में ही है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।